ये एक वेयरहाउस कैफे है गुरुग्राम के अंदर, सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड अक्टूबर की इंटरविनिंग नाइट के दौरान लगभग 12:30 के आसपास का एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया कुछ दो व्यक्तियों द्वारा। उस दौरान कि दो व्यक्तियों द्वारा जो दो आरोपी हैं हमारे इस केस के अंदर, उन्होंने एक व्हीकल चालक को वेयरहाउस कैफे के बाहर पास उसके आसपास के एरिया में रोका गया और उनको जबरन वेपन का भय दिखाकर पिस्टल के पिन पॉइंट पर उसको व्हीकल से उतारा गया और उसके बाद रॉबरी कमिट करी गई। और जब जो चालक था जो हमारे विक्टिम है उसने इसका अपोज किया तो उस दौरान उनमें से एक व्यक्ति जो आरोपी है उसने इसके ऊपर फायर करा, जिस दौरान उनको कुछ हाथ में इंजरी आई है, उंगलियों में उसके जो गनशॉट इंजरी वो आई है। उसके बाद जब ओवर पावर करने की कोशिश करी गई विक्टिम को इन आरोपियों द्वारा, तो जो अन्य आरोपी एक और दूसरा आरोपी था उसने भी इनके ऊपर फायर करा, जिस दौरान इनके फेस के ऊपर बुलेट इंजरी हुई है। उसके बाद जो विक्टिम को ओवर पावर करा गया वेपन के जोर पर और फिर उसके व्हीकल को, उसके पर्स, उसकी रिंग और अन्य उस सामान लेके ये मौके से फरार हो गए। जो पहचान हुई है आरोपियों की वो एक आशु उर्फ डिप्टी है, गनोली गाँव का रहने वाला है गाजियाबाद से, और इसी का अन्य साथी है अशोक, वो भी गनोली गांव का रहने वाला है गाजियाबाद से। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है बेसिकली इस तरीके के, ये लेट नाइट आर्स पे जो लोग जैसे कि ऐसे कैफे वगैरह से निकलते हैं या किसी ड्रंकन सिचुएशन में हो या कुछ और हो, उसका फायदा उठा के उन लोगों के साथ लूटपाट करते हैं और घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। इस तरीके की अन्य घटना भी इनके ऊपर अंजाम देने की इनकी वारदातें हैं इस तरीके की। तो अभी जो हमारी गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच है सेक्टर 40 इंचार्ज हैं, उन्होंने एक टीम गठित करी और 24 घंटे के अंदर अंदर जितेंद्र इंस्पेक्टर की टीम है उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस वारदात को सुलझाने में और एक संबंधित जो आरोपी है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इस जो आरोपी का पहचान हुई है वो है एक डिप्टी उर्फ आशु, ये गनोली गाँव का रहने वाला है गाजियाबाद से, और इसको झज्जर से पकड़ा गया है और वारदात को अंजाम देने के बाद ये झज्जर एक किसी अपने जान पहचान के पास चले गए थे। तो वहाँ पर जब पुलिस ने इसका पीछा करा, इंफॉर्मेशन ली, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई, तो संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी करके 24 घंटे के अंदर अंदर इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और मौके से एक व्हीकल भी, जो गाड़ी लूटी गई थी उसको भी बरामद करा है और संबंधित कुछ आर्टिकल्स भी बरामद करे गए हैं। और अशोक की जो जिसका अन्य साथी था उसकी तलाश जारी है और उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाएगी। देखिए अभी जो वेपन है वो अशोक के पास ही है और अभी उसको पकड़ना है, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो संबंधित सभी जानकारियां और भी प्राप्त होगी। और जैसे कि वारदात को अंजाम देते वक्त जो ये हमारा आरोपी है ये भी खुद इंजर्ड हो गया था उस घटनाक्रम के दौरान ही, तो इससे भी अभी हम जनता से पूछताछ करेंगे, जैसे ही इसका उपचार हो जाए, इलाज हो जाए, उसके बाद इससे भी गहनता से और पूछताछ करी जाएगी। इसको गनशॉट इंजरी हुई है वारदात को जब इन्होंने अंजाम दिया, तो उस दौरान छीना झपटी के दौरान इसके खुद एक अपने हाथ में और पैर में दोनों जगह उसकी बुलेट की गनशॉट इंजरी आई है। तो